दिल्ली और एनसीआर की तरह अब आगरा में भी हवाएं जहरीली हो चुकी हैं। ताजमहल पर भी प्रदूषण का हमला हो गया है। दीपावली के बाद अचानक बढ़े प्रदूषण का असर ताजमहल पर भी साफ नजर आ रहा है। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल को प्रदूषण की कालिख से बचाने के लिए आगरा नगर निगम ने ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर एयर प्यूरिफायर वैन लगवा दी है। ताजमहल परिसर में हवा को शुद्ध करने के लिए लगाई गई यह मशीन करीब 10 घंटे तक काम करती है। ये एयर प्यूरिफायर हवा में फैले डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल और कार्बन के कण को अंदर खींचती है और उसके बाद शुद्ध हवा को वायुमंडल में दोबारा छोड़ देती है। बताया जा रहा है कि इस मशीन को खास तौर पर इटली से मंगाया गया है और ये प्रतिदिन 10 घंटे में 15,000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करती है। इस वैन पर लगे सफेद रंग के खास एयर फिल्टर को 10 दिन बाद जांच के लिए इटली भेजा जाएगा। ताजमहल के आसपास की हवा इस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि विदेशी सैलानियों को मास्क लगाकर ताजमहल का दीदार करना पड़ रहा है। सर, ये वैन हवा को क्लीन करती है और इसमें सर 7 फैन लगे हुए हैं जो हवा को क्लीन करने में मदद करते हैं, और ये जो पर्दा लगा हुआ है सर, ये इटली से पर्दा है और ये इसीलिए आया कि आगरा का पोल्यूशन कंट्रोल करें और इसकी जांच भी हो। सर, ये वैन रेगुलर 10 दिन तक काम करेगी आगरा में, और अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो अगले 6 महीने तक आगरा में इस वैन को चलाया जाएगा। ये एयर कैसे लेती है, बाहर कैसे छोड़ती है उसका क्या? सर, इसमें जो 7 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं जो एयर को बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो साइड से एयर अंदर जाती है और फिल्टर होकर बाहर आ जाती है। किन किन डस्ट पार्टिकल को ये जो डस्ट पार्टिकल इकट्ठे होंगे वो कहाँ जाएंगे? सर, वो डस्ट पार्टिकल सब इसमें रुक जाएंगे सर, और उनको जांच के लिए कहाँ भेजा जाएगा? उसको जांच के लिए सर इटली भेजा जाएगा। कितने दिन की ये रहेगी? 10 दिन तक रहेगी सर यहाँ। कितने घंटे मशीन ये काम करती है? सर, लगभग 10.5 घंटे काम करती है। कहाँ कहाँ लगी हुई है मशीन ये दोनों? सर, ये अभी फिलहाल एक यहाँ पे आगरा वेस्टर्न गेट है, ताज वेस्टर्न गेट, और एक ताज ईस्टर्न गेट है सर। हालांकि आगरा में प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर के अलावा नगर निगम ने जगह जगह सफाई अभियान भी चलाया है। नगर निगम ने सड़क किनारे लगे पेड़ों की धुलाई भी शुरू कर दी है। हर दिन सड़कों की सफाई की जा रही है। नगर निगम की टीम अब वातावरण से PM10 और PM2.5 आर्टिकल्स को खत्म करने के प्रयास में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि PM10 और PM2.5 डस्ट पार्टिकल्स श्वास रोगियों के लिए बेहद खतरनाक हैं। हालांकि आगरा में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक महज 3 दिनों में अगर जिला अस्पताल के अंदर श्वास रोगियों की संख्या करीब 15% बढ़ी है। ये लगभग 10-15% मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले से ही 250 से 300 मरीज आ रहे थे, अब उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। क्या सर सलाह देंगे जो मरीज हैं लोगों को? अनावश्यक रूप से जब तक ये वातावरण में धुंध बनी हुई है, अनावश्यक रूप से न निकलें, और बस ये है कि कोई ऐसा वजन का काम न करें जिसमें सांस फूलती हो, अपने आराम से रहें, आसपास के वातावरण को थोड़ा सा गर्म रखें और पेड़ पौधों के आसपास रखें, पानी का छिड़काव कर लें जिससे धूल सेटल हो जाए तो उन्हें सांस लेने में आसानी रहे। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।